ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की लंबे समय से तलाक की खबरों के बीच में अब बच्चन परिवार का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बच्चन परिवार के सोर्स की माने तो अभिषेक और ऐश्वर्या के डाइवोर्स की खबरों के बीच में जहां निमृत कौर से अभिषेक का रिश्ता जोड़ा जा रहा है, इस बात से बच्चन परिवार खासा गुस्से में है और वे अब लीगल एक्शन लेना चाहता है। दरअसल इन अफवाहों के बीच में जहाँ ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता और भी खराब हो रहा है और वैसे भी पूरे परिवार पर गलत असर पड़ रहा है, ऐसे में बच्चन परिवार अब रिएक्ट करने लगा है और उनके करीबियों का कहना है कि जहां निमृत और अभिषेक अफेयर की खबरों की बात है तो ऐसी अफवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है और हम सोच रहे हैं कि निमृत कौर ने अब तक इन खबरों के बारे में क्यों खंडन नहीं किया है। आखिरकार निमृत को इन सभी मामले में बोलना चाहिए था। वहीं अभिषेक को तो इन सभी विवादों से दूर रहने की परिवार की तरफ से खासी चेतावनी मिली है कि वे ऐश्वर्या राय के साथ अपने रिश्ते को सही करें, ना कि इन खबरों पर अपना रिएक्शन दें। फिलहाल अफवाहों के बीच में अभिषेक अपने रिश्ते को सही करने पर लगे हुए हैं। फिलहाल उनकी पत्नी को वे चीट कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी। वहीं अभिषेक और निमृत 10वीं पास के सेट पर मिले थे और माना जा रहा है कि अभिषेक और निमृत के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। फिलहाल ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर कहां से आई है इस बात का पता लगाया जा रहा है और अफवाहों की शुरुआत के पीछे की जो वजह है उसे खोज कर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसा बच्चन परिवार के करीबियों का कहना है। फिलहाल जहां अभिषेक और निमृत के अफेयर की खबरों ने जो तूल पकड़ा हुआ है वो बेबुनियाद है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल अभिषेक ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते को सही करने पर लगे हुए हैं, वहीं पर ऐश्वर्या और अभिषेक की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ऐसे में अभिषेक बच्चन का पूरा ध्यान सिर्फ ऐश्वर्या पर है, ना कि निमृत कौर पर है, लेकिन लोग उन्हें बिना बात के ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं।